तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिनों के अंदर आपके जीवन में कई ऐसे ऐतिहासिक बदलाव करने वाले हैं। जी हां तुला राशि वालों, अगले 6 दिनों के समयावधि में आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन करने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगले 6 दिन सबकी जिंदगी में हड़कंप मचाएगा। आज की पूरी वीडियो खास आपके ग्रह गोचर पर आधारित है और तुला राशि वालों, आज की वीडियो में जो भी भविष्यवाणी की जाने वाली है वह 100% सच होंगी। आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे तुला राशि वालों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताई गई हर एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुला राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिनों का समय आपकी जिंदगी में कई ऐसे प्रभावित करने वाले हैं। कुछ बदलाव तुला राशि वालों आपकी जिंदगी के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, तो वहीं कुछ बदलाव आपको थोड़ा परेशान भी करने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन की गाड़ी पटरी पर हमेशा की तरह पूर्ण रूप से चलता रहे, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इन बातों को अपने ध्यान में रख लेंगे और अगले 6 दिनों में कोई गलतियां नहीं करेंगे तो तुला राशि वालों, आपकी जीवन की गाड़ी हमेशा की तरह पटरी पर चलती रहेगी। बिल्कुल शांत होकर शांत मन से वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस बात की दावा है तुला राशि वालों कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी और जो जानकारियां हम आपके साथ शेयर करेंगे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चलिए तुला राशि वालों जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु संकट मोचन हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री संकट मोचन हनुमान जी लिखेगा। भगवान संकट मोचन उनके जीवन में कोई संकट कभी नहीं आने देंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए तुला राशि वालों बात करते हैं। तुला राशि वालों, यह समय कोई राजकीय अथवा व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है तो उसे पूरा करने का अनुकूल समय है। पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ भी हो सकता है और कामकाजी महिलाएं घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने में समर्थ रहेंगी। वही तुला राशि वालों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें तथा अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें तो ये आपके लिए तुला राशि वालों बहुत अच्छा रहेगा। व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में खर्च करने से घर का बजट बिगड़ सकता है और आगे चलकर तुला राशि वालों आपके लिए परेशानी बन सकती है। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बनाकर रखना अति आवश्यक है। अपने आक्रामक स्वभाव को गुस्से पर काबू बनाकर रखना अति आवश्यक है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो उचित लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बच्चे की कैरियर संबंधी अच्छी खबर मिल सकती है और किसी पॉलिसी में निवेश करने का अनुकूल समय है। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो आप निवेश दिल खोल कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, व्यक्तिगत गतिविधियों को प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि दूसरों के कार्यों में समय व्यतीत करने से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा, सबसे पहले आप अपने कार्यों को करने की कोशिश करें। जो कार्य आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से तनाव आपके ऊपर हावी भी हो सकता है और अपने स्वभाव में ठहराव लाएं। गुस्से की वजह से कुछ संबंध प्रभावित होंगे, इसलिए आपको अपने अंदर गुस्से हावी नहीं होने देना है। इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो कि दोस्तों आपको बर्बाद करके रख देंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, मानसिक सुकून और ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ समय मन मुताबिक रचनात्मक कार्यों में जरूर लगाएं। ऑनलाइन शॉपिंग और मस्ती भरी क्रियाकलापों में भी समय व्यतीत होगा। युवाओं को कैरियर संबंधित
कोई शुभ समाचार मिलने से बहुत अधिक मुनाफा मुक्त महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है, अन्यथा लापरवाही की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। बच्चों की गतिविधियों तथा दोस्तों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा गलत संगति के कारण उनका कैरियर, उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों पर भी देना है, क्योंकि दोस्तों जैसा संगत वैसा रंगत, वैसा ही हो सकता है, इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, घर में नजदीकी संबंधों का आगमन होगा तथा आपसे वार्तालाप से कई मुद्दों को भी हल मिलेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधित कुछ योजनाएं बनेगी और लेन देन संबंधित कुछ योजनाएं आपकी बन सकती है। आपकी कोई विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। इस समय आप पूरी तरह से जो है फोर्स में रहेंगे। कुछ परिवर्तन परिस्थितियों में भी बनेगी और पैतृक संपत्ति को लेकर भाई के साथ कुछ वाद विवाद की आशंकाएं बन रही है। इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखिएगा, परंतु जरा सी सावधानी और सूझबूझ द्वारा परिस्थितियां संभल जाएगी। आपको थोड़ा सा शांत रहना होगा। समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन भी करते रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस करने वाले प्रभावशाली लोगों के साथ मीटिंग में जाने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मार्केटिंग संबंधित काम और पेमेंट इकट्ठा करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। सितारे कहते हैं जो आपका सबसे बड़ा खास आदमी है उनसे आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में नए काम की शुरुआत करने से पहले सोच विचार जरूर कर ले। मीडिया, शेयर्स, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय सफल रहेंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को खास अथॉरिटी मिल सकती है। जो लोग बहुत दिनों से दर दर भटक रहे थे, नौकरी की तलाश में थे, तो उनकी यह इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जरा सी लापरवाही से बड़ा नुकसान होने की आशंकाएं बन रही है, तो वहीं आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत कुछ दिला सकता है और बहुत कुछ सिखा सकता है। इसलिए जितना हो सके सावधान और सतर्क रहें। सहयोगी तथा कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना आवश्यक है। सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यों पर ही फोकस करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है, अन्यथा कोई गलत फहमी उत्पन्न हो सकता है और आपकी रिश्ते को भी खराब कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने रिश्तों में गलत फहमी उत्पन्न ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। घर से निकलते वक्त कुछ मीठा खाकर निकलें, कामों में आपको सफलता मिलेगी। और नहाते वक्त सुबह के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर नहाएं, इससे आपके शरीर के जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा है, वह सब कुछ है निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे और आपके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।